नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 5 मार्च को शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त होते ही सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 14 दिन के सेशन में 9 दिन की कार्यवाही चली है, जिसमें 11 सिटिंग हुई है। बजट सत्र की कार्यवाही के हर दिन किसान आंदोलन का मुद्दा गूंजा है, तो सत्र के आखिरी दिन एक अहम बिल भी पास किया गया है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली है। दरअसल अब यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी ऐसा कानून बन जाएगा कि अगर किसी धरना प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उपद्रवियों से ही उसकी वसूली भी होगी। अब विपक्ष ने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा सरकार लोगों में डर पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपद्रवियों में तो डर होना जरूरी है। आइए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। अब उपद्रवियों पर लगेगी लगाम, लेकिन विपक्ष क्यों है परेशान? जी हाँ, विधानसभा में वसूली वाला बिल पारित होने के बाद से सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। विपक्ष के सवालों पर सीएम मनोहर लाल ने करारा जवाब दिया, कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हालांकि इस प्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वालों के खिलाफ आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा होती है, उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन उस धारा में कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना कुछ अलग है। हुड्डा के मुताबिक ये कानून बिना सोचे समझे लाया गया और विपक्ष को ये कानून मंजूर नहीं है। उन्होंने प्रयास किया है, जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, कानून है, उसमें चल रहे हैं। धोरी भाषा बोलते हैं, गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया, फिर इतने मुकदमे क्यों किए हैं, क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते हैं? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखेंगे, रामलीला मैदान जजमेंट 2012, उसमें साफ अधिकार दिया लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैलिड करते हैं। तो 7-7 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा दैट ए परफेक्ट चेक एंड बैलेंस बी मेड एंड सर्टन गाइडलाइंस अबाउट पुलिस एंड मीडिया पर आल्सो वर इशू। लेकिन ये जो कानून नया है इसमें कोई पुलिस की तो कहीं या सरकारी तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ही नहीं। अगर नुकसान की कारण क्योंकि कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है उसको उसकी कौन भरपाई करेगा? वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि बिल अचानक नहीं लाया गया, बल्कि लंबे समय से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और किसान आंदोलन से बिल की टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर जत्थेबंदी को, हर संगठन को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए एजिटेशन करने का अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं, परंतु ये जो बिल है ये उनको रोकने के लिए नहीं है। ये बिल आंदोलनों के दौरान, प्रदर्शनों के दौरान जो लोगों की संपत्ति जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, उसकी रिकवरी के लिए ये हम बिल लाए हैं और इसका किसानों के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि किसानों का आंदोलन 110 दिन से ज़्यादा हो गए, कहीं पर कोई पत्ता टूटने की भी खबर नहीं आई है कि उन्होंने कोई पत्ता तोड़ा हो।
तो उससे कोई लेन देन नहीं है। ये तो हम काफी लंबे समय से विचार कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से आज हमने यही पूछा कि आपने मतदान इस पे करना है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं या हिंसक आंदोलन के साथ हैं। विधानसभा में बिल तो पारित हो गया लेकिन कांग्रेस इसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो बिल लेकर आ रहे हैं खास तौर से आज के दिन जब किसान आंदोलन जो है वो चरम सीमा पर है और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए ये इस तरह की इतना ड्रैकोनियन एक्ट लेकर आए कि जिससे जिसमें इतनी जबरदस्त स्वीपिंग पावर्स हैं कि जिसके तहत जो है किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है, किसी के ऊपर भी जो है थोपा जा सकता है, तो उसका जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से विरोध करा। कांग्रेस बिल को सीधे तौर पर किसान आंदोलन से जोड़कर देख रही है लेकिन सरकार के मंत्री से वक्त की मांग बता रहे हैं और साथ ही प्रदेश हित में भी। पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे लंबा सेशन चला और विपक्ष बहुत बुरी तरह से मायूस था। कहीं जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन भी कोई जवाब नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री बोलते रहे वो बहुत मायूस थे और उन्होंने महसूस करा वो बड़े जोशले हौसले से आए थे कि हम ये करेंगे सदन में वो करेंगे, पर बड़े मायूस होके निकले। आज भी सिवाय नारा लगाने के बैल में चले आए, कुछ नहीं था। आज क्वेश्चन आवर था, उसके बाद एक काला टेंशन मोशन थी ट्यूबवेल के लिए, वो पास हुई, उस पर बताया गया। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो जलाने का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, देखिए जो सुप्रीम जो प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी जलाएगा उसे तो वो एक बिल रहा। वो तो मैं एक ही कारण मानता हूँ, जब किसी आदमी के पास तर्क नहीं होता ना जी तो वो वेल में जाता है। आप शादियों में देखते होंगे ना, जिस पर नाचना नहीं आता ना तो दूल्हे की घोड़ी की जंपी वही पता है, वो उसके गले पकड़ ले और वो कहेगा मैं चलने दूंगा। तो जब आपके पास कोई तर्क नहीं तो फिर तर्क नहीं होता, तो आप वेल में आते हैं। तो वेल में आने का मतलब यही है। और जो बिल की बात है तो बिल तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि कोई भी जो अपराधी व्यक्ति है, जो तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति है, अगजनी करने वाला व्यक्ति है, उसके मन में एक डर पैदा होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे उसकी भरपाई होगी। आज तक था उसके लिए सजा होगी लेकिन अब भरपाई उससे होगी, तो वो हजार बार सोच लेगा क्योंकि तबाह हो जाएगा अगर ऐसा गलत काम करेगा, किसी का नुकसान करेगा। किसान आंदोलन के बीच बिल आया, इसको कांग्रेस की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार हो रही है और अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस बिल की आड़ में आगे क्या चाल चलता है और क्या कांग्रेस की सियासी चाल कामयाब होती है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट। तो वहीं ग्राफिक के जरिए आइए अब आपको दिखाते हैं कि कितने दिन सदन की कार्यवाही चली है और कौन कौन से बिल इस बार इस कार्यवाही के दौरान पारित किए गए हैं। तो बजट सत्र में आप समझ लें कि कुल 11 सिटिंग हुई हैं और 11 सिटिंग में 46 घंटे 43 मिनट तक यह सदन चला है। यह जानना और समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस बार का बजट सत्र कैसा रहा है यह आपको इससे समझ में आएगा। विधायकों के 140 सवाल लिए गए हैं, इस दौरान 4 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है इस बजट सत्र के दौरान। और फिर इसके बाद 10 घंटे 13 मिनट आप देखें कि बजट के ऊपर भी चर्चा हुई है और अविश्वास प्रस्ताव पर 5 घंटे 55 मिनट तक चर्चा हुई है क्योंकि इसी बजट सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को भी लाया गया था। फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम 78 मिनट तक बोले हैं, यह भी अपने आप में नोट करने वाली बात है, 78 मिनट तक सीएम बोले हैं। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 इसको पारित किया गया है। संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 इसको भी पारित किया गया। और फिर पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक 2021 इसको भी मंजूरी इस बार इस बजट सत्र के अंदर मिली और ऐसे ही हरियाणा आकस्मिक निधि विधेयक 2021 इसको भी मंजूरी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि पारित किए गए। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज की चर्चा के अहम सवाल हैं उस पर भी नजर डालते चलते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि आखिर इस बार का विधानसभा का यह बजट सत्र कैसा रहा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। 9 दिन की कार्रवाई से जनता को क्या मिला है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सबसे अहम सवाल आज की चर्चा का यह है कि उपद्रवियों से वसूली वाले कानून पर आखिर विपक्ष को एतराज क्यों है
और इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राय सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले राय सिंह जी मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि उपद्रवियों से वसूली वाला यानी कि जो क्षतिपूर्ति विधेयक लाया गया उस पर कांग्रेस को क्यों ऑब्जेक्शन है, ये थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप ये समझाते चलें, फिर मैं चर्चा में आगे बढ़ता हूं। क्या एतराज है? आयुष जी, जिस प्रकार आज आपका महत्वपूर्ण जो चैनल है उस पर जो आपने संवाद प्रक्रिया के दौरान जो बातें रखी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र में प्रदेशवासियों को अलोकतांत्रिक, अलोकप्रिय एवं संवेदनहीन सरकार से उम्मीद थी कि पिछले लगभग 6 महीने से जो प्रदेश का वातावरण गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री की विफलताओं, कार्य कुशलता में कमी से उनकी दिशा व दशा प्रदेश के किसानों ने की हुई थी, शायद सबक लें, प्रदेश की जनता के लिए विकास एवं विश्वास का कोई सकारात्मक प्रयास करेंगे, लेकिन सब इनकी पुरानी विरासत के चलते जनता को भ्रमित किया गया। सत्र के पहले दौर में देखिए आप कि किस प्रकार जो किसानों के समर्थन में कांग्रेस अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई थी कि ताकि किसानों की आवाज को दबाया ना जाए, जनभावना को दबाया ना जाए, उस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार जीत गई, सरकार ने संख्या बल के दम पर अविश्वास प्रस्ताव को गिराया, लेकिन सरकार का विश्वास तो जीता लेकिन किसानों का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जीता। जो विधायक चाहे वो जेजेपी के थे चाहे निर्दलीय थे, जो जनता के बीच में जाकर कहते थे किसानों से कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सत्ता के चकाचौंध में उन विधायकों का जो आत्मा थी उनको अलौने की पाई और वो किसानों के समर्थन में नहीं आ पाए। देखिए दूसरी बात, इन्होंने जिस प्रकार से बात करी है बजट की, आप देखिए कि पहली बार बजट में आंकड़ों की बाजीगरी और सब्ज बाग दिखाने की जो उनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है उसमें एक दर्जन से अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं को लेकर जो जुड़ी योजनाएं प्रदेश में थी उनको बार बार अपने बजट में शामिल किया। पहले भी उनकी घोषणा हो चुकी थी और यहां पर देखिए कुछ ऐसी घोषणाएं हैं कि जिनका पिछली बजट में जिक्र किया गया था, वो स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज बनाने की थी या शिक्षा के स्तर को सुधार करने के लिए कॉलेज बनाने की। चलिए बजट पे हम लोग राय सिंह जी चर्चा कर चुके हैं, मेरा सवाल जो था उसका जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए क्षतिपूर्ति विधेयक को लाने से ऐतराज क्यों है, आज क्यों आप लोगों की तरफ से इसको लेकर के ऐतराज जताया गया, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। आयुष जी, बड़ी साधारण सी बात है, प्रदेश का किसान, प्रदेश की जनता समझती है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, ये किसान की, समाज के लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, केवल हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं, तो इसमें लोकतंत्र का हनन कैसे है राय सिंह जी, मैं समझना चाह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा मोटा सा सवाल इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, सवाल सुन ले मेरा, ऐसा नहीं कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, कभी आप भी सत्ता के अंदर होंगे, जो सत्ता के अंदर है उसकी जिम्मेदारी है कि जो सरकारी संपत्ति है या निजी संपत्ति कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो भाई क्षतिपूर्ति उससे हो जाए, उसमें क्या आपत्ति है? देखिए आयुष जी, सत्ता इसमें अलोकतांत्रिक क्या है, इसमें अलोकतांत्रिक क्या है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, अलोकतांत्रिक जो नुकसान पहुंचा रहा है उससे वसूली करनी चाहिए, क्या दिक्कत है? आप इस बिल का जो निबंध है, जो शुरुआत का दौर है उसकी लाइनें पढ़िए कि जनता को डराकर जनता में डर पैदा हो, जनता में भय पैदा हो, इसलिए आंदोलन। जनता में भय की बात नहीं है ना, उपद्रवियों में भय की बात है। राय सिंह जी, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, जो आग लगाएगा, जो तोड़फोड़ करेगा वो उपद्रवी कहलाएगा ना, वो चाहे जनता के बीच में सही तो होगा लेकिन उसमें भय उसी को होगा जो गलत करेगा, जो सही कर रहा है, जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है उसमें क्या डरने की बात है? ये तो अगर क्षति पहुंचा रहे हैं तो उसकी पूर्ति के लिए विधेयक है, इसमें ऐतराज क्यों है? आयुष जी, आप मुझे कृपया अपनी बात रखने का मौका दें। देखिए आपने पढ़ा है कि डराकर के लोगों में जो आंदोलन करते हैं उनमें डर पैदा हो, उसमें सब आते हैं, उसमें केवल जो आंदोलन करने वाले लोग चाहे वो शांति के तरीके से कर रहे हो। अरे राय सिंह जी, राय सिंह, लोगों में डर पैदा हो ये जरूरी नहीं है, उपद्रवियों में डर पैदा हो ये ज्यादा जरूरी है। विरोध प्रदर्शन से कौन रोक रहा है, उसमें कहां लिखा है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने का ये अधिकार नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन एक दायरे में होता है, संवैधानिक दायरे के अंदर। प्रवीण अत्रे जी जवाब दें। देखिए आयुष, ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो खैर वो नहीं दे सके और वो उल जुलूल बातें करके अपने मुंह मियां मिठू ये बनने की कोशिश की,
वो लगातार, अरे इनको चुप करवाओ, राय सिंह जी आप सुनिए, अरे चुप कराओ राय सिंह जी, राय सिंह जी सुनो, चुप कराओ इनको, बहुत हो गया भाषण भाई, बहुत हो गया, चुप कराओ, अरे भाई ऐसा है चिल्लाने से कुछ नहीं बनने वाला, बात होगी तथ्यों से होगी, बात होगी तथ्यों से, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। राय सिंह जी, अब आपने इतने सारे आरोप लगाए भाई इनकी पार्टी के ऊपर, मुख्यमंत्री से लेकर सबको कोर्ट किया ना आपने, अब उसका जवाब सुने। कांग्रेस पार्टी इस कदर बुखलाई हुई पार्टी है जो यही निर्णय नहीं कर पा रही कि वो जो लोग तोड़फोड़ करते हैं, जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो उनके साथ है या प्रदेश की जनता के साथ है। कांग्रेस पार्टी ये भी निर्णय नहीं कर पा रही कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ है या हिंसक आंदोलन के साथ है। बजाय इस बात का जवाब देने के मित्र लगे बात कर रहे बजट की, हालांकि मैं बजट पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी लाइन खत्म बोल के बात बजट पे खत्म करूंगा कि भाई इस हरियाणा प्रदेश में रिजर्व फंड क्या होता है, इससे पहले की किसी सरकार को पता नहीं था। मनोहर जी ने पहली बार 8,500 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड रखा है, इतिहास में पहली बार है। चलिए मैं बजट पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पहले हो चुकी है। देखिए एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, यहां कर क्या रही है कांग्रेस, कांग्रेस जनता को बहकाने के लिए झूठ बोल रही है कि साहब आप इस अधिनियम की पहली लाइन पढ़िए, इसमें पहली लाइन में जनता को डराने की बात लिखी है। मैं आयुष चाहूंगा प्रवक्ता महोदय से आप जरूर पढ़वाएं एक बार ये कानून, जिससे कि प्रदेश की जनता को पता लगे। ये नहीं चाहते कि कानून का डर दंगाइयों के मन में पैदा हो, ये नहीं चाहते कि कानून क्या है ये इस तरह के दंगाइयों को एहसास रहे। देखिए मैं शुरुआत करूंगा कांग्रेस की मानसिकता की, आयुष 1984 से पहले इस देश के अंदर इस तरह का कोई कानून ही नहीं था। जब 1984 के अंदर दिल्ली में दंगे होते हैं, सिख भाइयों का कत्लेआम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को जला दिया जाता है, उनकी दुकानें जला दी जाती हैं, उनके मकान जला दिए जाते हैं, लोग अपना जिंदगी भर की कमाई खो देते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब दबाव पड़ता है तो कांग्रेस एक पाखंड करती है। मैं उसको पाखंड इसलिए बोल रहा हूं कि 1984 में कानून बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। मतलब उसमें भी जो पब्लिक की निजी संपत्ति है उसका जिक्र नहीं किया जाता, उसमें भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है केवल उसका जिक्र किया जाता है। नंबर एक, आप देखिएगा आपको आज भी आपके सामने इस तरह की जानकारी आती होगी आयुष, कि उन दंगों में जिन लोगों ने अपनी संपत्तियां खो दी, अपने रोजगार खो दिए, अपनी दुकानें खो दी, आज तक वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आज तक वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना जीवन यापन करने का कोई जरिया मिल जाए। और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट 1987 में यह कहती है कि 1984 में जो आपने कानून बनाया था भाई इसको रिव्यू कर लीजिए, इसके अंदर निजी संपत्ति का नुकसान उसकी बात भी कीजिए, जिस व्यक्ति की अपनी संपत्ति और कोई दंगाई जला दे उसका जिक्र भी होना चाहिए। 2009 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर विशेष तौर पर क्या कहती है यह समझना बड़ा जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नुकसान की भरपाई के लिए आंदोलनकारियों, राजनीतिक दलों और आयोजक नेताओं की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जानी चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन के अंदर तो इसके ऊपर चर्चा नहीं करते। देखिए आयुष पाखंड क्या है कांग्रेस का, कांग्रेस ये कह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब विधानसभा में ये बिल के ऊपर चर्चा होनी होती है, इसके क्लॉज पे चर्चा होनी होती है, तो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बाहर आके क्या कहते हैं, बाहर आके कहते हैं कि साहब देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कहता, जबकि मैंने बताया 2009 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब कांग्रेस की मानसिकता को समझना होगा, कांग्रेस की मानसिकता रही है हमेशा देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति, दंगा आदमी लूटपाट, ये इस तरह की राजनीति कांग्रेस की सोच रही है। इसलिए कांग्रेस सिंह मैं समझ गया हूं, आप देखिए वो ले आए हैं, मुझे लग रहा है शायद उस कानून की कॉपी जिसको आप अभी पढ़ेंगे, मैं आपसे थोड़ा उसकी पहली लाइन जरूर सुनना चाहूंगा। जी प्रवीण जी, प्रवीण जी बहुत जल्दी से शार्पली वाइंड अप करिए, दो मेहमान और हैं, मैं उनका भी एक कमेंट लेता हूं, फिर राय सिंह जी के पास जाऊंगा। 2016 में हरियाणा प्रदेश में भी देखा किस तरह से कुछ दंगाइयों ने कुछ निजी संपत्तियों को आग लगाई, तोड़फोड़ की, और उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक राजनीतिक सलाहकार जो है उनकी ऑडियो चर्चा में आई थी, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि हमने रोहतक में तो ये सब कर दिया है, और उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पे आरोप लगाया था, मुझे आज भी याद है। उस वक्त अभय सिंह चौटाला जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था
कि ये जो आगजनी, ये जो दंगे करवाए हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाए हैं, और वो साबित होता है कांग्रेस की मानसिकता। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की जिस तरह की मानसिकता है, कांग्रेस जिस तरह बहुत जल्दी सर पंजेटा जी एक रिएक्शन आप भी दें। जी आयुष जी, मैं अब सारी की सारी बातों को बिल्कुल संक्षेप में सच जरूर करना चाहूंगा। मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा बजट पे बाद में आएंगे, अब जो मुद्दे पे बात हो रही है पहले उस पर बात करेंगे। जी चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था कि जो लोकराज है वो लोक लाज से चलता है। ठीक है जी, तो अभी मैंने सदन की कार्रवाई में दो तीन जो मेन बातें थी उन पे कुछ बातें थी जो जिससे मेरा ध्यान गया, वह ये बात हो रही थी कि लोकतंत्र खतरे में है अगर भाजपा का कहीं विरोध होता है। पहले तो मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो या सरकारी प्रॉपर्टी हो, किसी की निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। ये मैं अपनी बात पहले ही कर दूं ताकि बीच में मुझे कोई रोके टोके ना, मैं किसी को बीच में नहीं टोकता। देखिए अब ये लोकतंत्र के अंदर आप कैसे विरोध करेंगे आयुष जी, आप हड़ताल करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा भूख हड़ताल करेंगे। किसान धरने पे बैठे हैं, किसानों ने अपनी जान तक दे दी है, अगर सरकार की इतना देखिए जान किसी के लिए देनी मतलब एक इतनी छोटी बात हो गई कि आज कोई भी उस पर बात नहीं करता है, सदन पे कोई शोक प्रस्ताव नहीं लेके आता है, कोई बात करने को तैयार नहीं है इसके किसी के। अगर किसान भी हमारे, क्या वो इस देश के वोटर नहीं है, क्या इस देश के नागरिक नहीं है? तो देखिए ये बात तो आपको सोचनी पड़ेगी। हाँ टाइमिंग जरूर इसकी जो है वो कहीं ना कहीं वो संदेह पैदा करती है, क्योंकि यहाँ राजनीति के अंदर कोई भी काम बिना किसी वजह के नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होते हैं जी। अब मैं आना चाहूंगा यहाँ पे जो दो तीन बातों का जिक्र किया गया, यहाँ जिक्र किया गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी, देखिए जब दिल्ली के दंगे हुए पिछले मुझे लगता है फरवरी के अंदर, अनुराग ठाकुर जी ने और प्रवेश वर्मा जी ने और कपिल ये क्या नाम है इनका, कपिल मुझे आगे वर्मा है क्या नाम है उनका, मैं ध्यान नहीं है पूरा नाम, उन्होंने हाँ कपिल मिश्रा, सॉरी कपिल मिश्रा, तो उन्होंने क्या किया सरेआम ये बोला देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आपने इतने दंगे करवाए भाजपा के, उनकी ये तो अभी सबको पता है मीडिया में उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो सबके पास है, सरेआम वो भाषण दिए गए, अब भड़काया गया, उनमें जो दुकानें गई और घर गए और जिनकी जाने गई वो तो सारे बेकसूर थे, इन राजनेताओं में किसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ पहले तो ये बताया जाए। या रोहतक का जिक्र हो रहा था, रोहतक में जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रोल था, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजकुमार सैनी, जो राजकुमार सैनी लगातार एक के बाद एक समाज को बांटने का देखिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी की उनकी रिकॉर्डिंग भी है, आप राय साहब थोड़ा बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए, अब आएंगे उस बात के ऊपर, जिस तरह भाजपा के उस वक्त के एमपी थे लगातार वो समाज को तोड़ने का, 36-1 का नारा हो कुछ भी हो, उन्होंने एक जाति विशेष के अगेंस्ट लगातार भाषण देते रहे, वो चुप नहीं हुए। तो क्या सारा का सारा जो रोहतक जलाया गया, जितना नुकसान हुआ, क्या राजकुमार सैनी जी से भी उसका भरपाई करने का कोई मुकदमा दायर हुआ? क्या भाजपा के लोगों के खिलाफ ये ऐसे मुकदमे दायर क्यों नहीं होते हैं? वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? उनसे भी सारा का सारा वसूल करने का होना चाहिए, बल्कि जो जाने गई है उनका भी इंस्टिगेट तो उन्होंने किया सारा का सारा दंगा। एक 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 कहावत है, एक एक लाइन है, दंगे होते नहीं कराए जाते हैं, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, दंगे होते नहीं कराए जाते हैं। नहीं तो ठीक है पंजेटा जी, ये हो सकता है पंजेटा जी, ये हो सकता है कि भाई उस समय ये कानून ना हो, लेकिन अब आने के बाद भी ये सवाल आप उठा सकते हैं कि भाई क्षतिपूर्ति करवा लीजिए कम से कम जो हुई है। नहीं, मैं बात इस बात से नहीं कह रहा हूँ पंजेटा जी, बहुत जल्दी से समाप्त करिए, संदीप जी भी मैं उनको थोड़ा समय देता हूँ, फिर राय सिंह जी के लिए बहुत सवाल है, उनको बोलना है थोड़ा। एक मिनट आयुषी, मैं इस कानून के बारे में नहीं, ये जो जिनकी जाने गई है, जो उनके उनकी जानों का कोई महत्व नहीं है क्या? उनका भी तो कुछ ना कुछ इंस्टिगेट जो किया गया दंगों में, जिनकी जाने गई है उनकी जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार उनके एक नेता भाषण दे देता है और वो जो बेकसूर है उनकी जान चली जाती है, उनके घरों को जलाया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब मेरी बात आती है बजट के ऊपर। इस साल 58,314 करोड़ का कर्जा प्रदेश सरकार लेने जा रही है, जो कि आप पहले से आपका 2,00,000 करोड़ का पहले से आपके ऊपर कर्जा है प्रदेश के ऊपर। आज हर नागरिक के ऊपर कितना कर्जा है पहले तो वो देखिए,
और आपका जो चलिए पंजेटा जी ठीक है, देखिए पंजेटा जी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा रोकना पड़ेगा मुझे, समय मेरे पास कम है। संदीप जी एक रिएक्शन आप जल्दी से दें, क्यों एतराज है उपद्रवियों से वसूली वाले बिल पर कांग्रेस पार्टी को? देखिए आयुष जी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सभी को मैं सुन रहा था कि ये लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जिस तरीके से बिल पेश किया गया, जिस चीज पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज थी आयुष जी के मुख्यमंत्री का जो कॉन्फिडेंस था, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को शुरू किया कि महफिल में चल रही थी मेरे उसकी पहली लाइन जरा पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्रवीण जी ने इस बात को कहा, और दूसरा थोड़ा जवाब दीजिए, प्रवीण जी ने कई बड़ी बातें कही आपको लेकर के। देखिए आयुष जी इन्होंने जो पढ़ा है वो जानते हैं, इस देश के अंदर दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जब देश में आपने कहा उसमें लिखा हुआ ना कि बिल में लोग डरेंगे, लोगों को डराने के लिए है, क्या लिखा है उसकी पहली लाइन में? देखिए मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए आयुष जी ये वो पार्टी है जिन्होंने दर्जनों बार नहीं सैकड़ों बार इस देश को जलाने का काम किया है, ये वो पार्टी है जिन्होंने जाति धर्म भाषा क्षेत्र और नस्ल के नाम पर उसको पढ़ दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के बताइएगा ठीक है। राय सिंह जी को बोलने दें, राय सिंह जी देखिए जिस प्रकार प्रदेश के किसान आंदोलित हैं, वो चाहते हैं कि उनका अनशन उनका धरना लंबा चले, पहले क्या लेकर आए SYL पर चर्चा की, 2016 नवंबर से फैसला आया, कभी उन्होंने प्रधानमंत्री से या किसी भी राष्ट्रीय नेता से हमारे मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को विश्वास में लेकर कोई बात नहीं रखी SYL को लेकर, लेकिन जब किसानों का आंदोलन चला तो इन्होंने फर्जी उपवास रखे, दिन में खाया रात को उपवास किया और मजाक किया किसानों का, अब जब इस प्रकार से नई बात लेकर आए, जब किसान फिर आए तो उनको डराकर धमका कर क्या, अरे किसान के ऊपर आप CBI का ED का किसी प्रकार की छापेमारी नहीं कर सकते, तो किसान को और आंदोलन करने वाले जो लोग हैं जो हक अधिकार की बात करते हैं उनको ऐसे डराएंगे आप? इस प्रकार से परिवर्तन जी आपकी मानसिकता को आपकी सोच को प्रदेश समझती है, आप इस लाइन को इन बातों को इस प्रकार देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति, अरे जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अंदर आंदोलन करने वाले शांति प्रिय है, शांति ठीक है पंजेटा साहब ने, लेकिन मैं पंजेटा साहब इस बात पर यहाँ पर खंडन करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि राजकुमार सैनी और एक सतपाल मलिक जो आंदोलित लोग थे, उन लोगों ने उस समय हरियाणा को जब जलाया तो ये केवल और केवल भाजपा की साजिश थी, दोनों दोनों में उन्होंने काम किया, आज कहा है वो मलिक, आज कहा वो राजकुमार सैनी, क्योंकि इनका काम चल गया, इनका काम यही है कि ये लोगों को भ्रमित करते हैं, जाति धर्म भाषा के नाम पर लड़ाते हैं, और जब फल उठाते हैं उसके बावजूद जब हरियाणा प्रदेश की तरफ समझती है इनको आयरन भूमिका होगी, राय सिंह जी ये तो भूमिका हो गई, आपने अभी तक इतना बोला ना भूमिका बांधी आपने पूरा, आप मुझे ये बताइए क्योंकि आपने कहा कि ये बिल डराने वाला है, भूपेंद्र हुड्डा भी यही कह रहे थे कि डराने वाला है, कहाँ है इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिससे आदमी डरे, उसको बताइए मुझे कि क्या लिखा है इसके अंदर ऐसा कि आदमी डर जाए कि नहीं भाई अरे ये तो हमारे लिए हमारे खिलाफ खराब हो जाएगा काम, डरना तो उनको चाहिए ना जो गलत करेंगे, उपद्रवियों को डरना चाहिए। राय सिंह इसमें एक चर्चा में विषय है कि जो आंदोलन करने में शामिल लोग हैं चाहे वो घर पे बैठकर आंदोलन करें, मैं मान लो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, हम किसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी या कोई भी सरकार आंदोलन करती है ये क्या कहते हैं उसमें उपद्रवी लोग कहाँ चाहते हैं, क्या साजिश, राय सिंह जी ऐसा लिखा है उसके अंदर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मैंने उस बिल को पढ़ा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बैठ करके तो ये बात नहीं कह सकता हूँ, ना मेरे पास उस बिल की अभी फिलहाल कॉपी है, अगर होता तो मैं काउंटर अभी आपको जरूर करता, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है ऐसा होगा नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए प्रवीण जी ठीक है। संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए, संदीप जी एक रिएक्शन दें बहुत जल्दी से, आपत्ति क्या है कांग्रेस की, आपत्ति क्या, और कांग्रेस तो कह रही है कि वो तो डराने वाला है, उसके अंदर लिखा भी ऐसा ही हुआ है कि अगर आप आंदोलन करने भी गए तो फिर आपको उठा के या तो जेल में डाल देंगे या तो आपसे कहेंगे कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा क्षतिपूर्ति करिए। संदीप जी देखिए आयुष जी बिल बहुत महत्वपूर्ण था, सरकारी संपत्ति को जला दिया जाता था तो इस तरीके की बिल की जरूरत थी और हरियाणा को भी जरूरत थी, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया
इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपनी सरकारी संपत्ति को बचा पाएंगे। और आप ये देखिए आयुष जी, जैसे कोई बस जाती थी, बस के अंदर बूढ़े बैठे होते थे उनको जला दिया जाता था, बसों को जला दिया जाता था, तो अब कहीं ना कहीं एक डर पैदा होगा ऐसे प्रदर्शनकारियों के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी चीज भी इसका नेगेटिव पहलू ये रहेगा कि अब जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो इस तरीके का सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं, उनको ये डर रहेगा कि हमारे ऊपर कोई बिल ना फाड़ दिया जाए कि कोई ट्रेन चली उसमें आंदोलनकारी थे और इतने करोड़ का या इतने लाख का बिल आ गया, या सड़क आपने रड़ा रास्ता रोकने का काम किया, आपने ये मार्ग अवरुद्ध किया तो इससे सरकार को इतना नुकसान हो गया। उस तरीके का बिल हमारे जो नेता होंगे, आंदोलनकारी होंगे, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी संगठन के हो सकते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। तो इसके दोनों चीजें हैं, इसका पॉजिटिव चीज ये है कि हम सरकारी संपत्ति को बचा पाएंगे, और नेगेटिव चीज ये रहेगी कि अब आप सरकारों के खिलाफ खड़े हो। नहीं, लेकिन संदीप जी भाई, जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना। देखिए, आंदोलन का नेतृत्व तो कोई ना कोई करता ही है, उस नेतृत्व को कम से कम ये जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो या किसी की अपनी निजी संपत्ति क्यों ना हो, भाई नुकसान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर अधिकार विरोध प्रदर्शन का सबको है, सब करें विरोध प्रदर्शन, किसी बात से असहमति है तो आप करें, लेकिन उसका एक दायरा है। अगर आप उससे बाहर निकलते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप जी, आयुष जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे सरकारें, चाहे हमारी सीबीआई हो, ईडी हो, इनका भी दुरुपयोग होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इस कानून का दुरुपयोग हो जाए, तो उस दुरुपयोग का डर है। बाकी बिल अच्छा है, स्वागत योग्य है। चलिए प्रवीण जी जवाब दें। देखिए आयुष, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो ये बिल है, ये जो सिविल लायबिलिटी है, मतलब अगर कोई दंगाई किसी निजी संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसका हर्जाना उससे वसूल होगा, वो जो वसूली है उससे होगी। इस बिल में ये कहा गया है, जो ये कहते हैं ना जेल में डाल दिया जाएगा, सजा हो जाएगी, ये बिल उसके लिए नहीं है। उसके लिए पहले से आईपीसी की धारा है, 1984 का जो केंद्र का कानून है उसमें 5 साल का प्रावधान है, जो 1984 के अंदर कांग्रेस ने बनाया था। इसके अंदर केवल जो सिविल लायबिलिटी है कि अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उससे उसकी वसूली होगी, पहला। दूसरा, जो ये बार बार बात हो रही थी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता और इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे थे कि जो घर बैठा है उसके लिए भी कार्रवाई हो जाएगी, मैं वो पॉइंट नंबर 14 का सब क्लॉज 2 जिसको हुड्डा साहब ने झूठ बोल के, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस कर क्या रही है, सच्चाई को झूठ में बदल रही है। इसमें क्या लिखा है आयुष, पढ़ के बताता हूं। इसमें बड़ा क्लियर लिखा है, वो घटना जिसके फल स्वरूप क्षति हुई है, उस घटना का नेतृत्व करने वाला, आयोजित करने वाला, योजना बनाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, भड़काने वाला, भाग लेने वाला या अंजाम देने वाला जो व्यक्ति है, वसूली योग्य मुआवजे के प्रभाजन का निर्णय उससे होगा। बड़ा क्लियर है कि जो उस घटना में संलिप्त होगा, उस घटना का आयोजन करने वाला होगा, उसको उकसाने वाला होगा। लेकिन ये बार बार इसी क्लॉज का मिसलीड कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाए, और टाइमिंग को लेकर के सवाल आज विधानसभा के अंदर भी उठा था कि कहीं किसान आंदोलन चल रहा है, इस वजह से भी आप लोग ऐसा ला रहे हैं कि कहीं एक 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 साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका चला जाए, डरे लोग थोड़ा सा। आयुष देखिए, हालांकि इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विधानसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बिल में कहीं भी किसान का जिक्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि हर बात में किसान के कंधे पे बंदूक रख लेती है। मुझे एक बात बताइए, अपने नागरिकों की सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो क्या उसके लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? क्या उसके लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा कि हम फला दिन लेके आएंगे? भाई हमें अपने नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करनी है, नागरिकों की सुरक्षा हमारा चलिए। प्रवीण जी, आपने तो ये बिल पारित कर ही दिया, कानून भी बनेगा। संदीप जी ने एक बात कही कि देखिए इसका मिसयूज हो सकता है दोनों तरीके से, इसको पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस पर रिएक्शन दें। देखिए ऐसा, इसके अंदर बड़ा क्लियर मैकेनिज्म है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर किसी तरह से दंगा होता है, दंगे में किसी की संपत्ति या सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, जो FIR दर्ज होगी, थानेदार उस FIR की जानकारी SDM को देगा, और बाकायदा दावा अधिकरण बनेगा, मतलब एक पंजाब बनेगा, एक अथॉरिटी बनेगी, जो अथॉरिटी उन दावों का निर्धारण करेगी, इसका बाकायदा मैकेनिज्म है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं बेकसूर हूं, उसके लिए वो हाईकोर्ट तक जा सकता है।
बड़ा क्लियर है, इसके अंदर मैकेनिज्म क्लियर है, इसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती जो शामिल नहीं है। ये डरना उन लोगों को है जो दंगाई प्रवृत्ति के। बिल्कुल, चलिए जनता पंजेटा जी, आपने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए, प्रवीण जी भी इसी बात को कह रहे हैं और आज इसको सदन के अंदर भी कहा गया, मुख्यमंत्री ने भी खुद इस बात को कहा, अनिल विज भी खुद खड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि इसका लेना देना किसान आंदोलन से कुछ नहीं है। टाइमिंग को लेकर के मंशा क्यों, आपको इस तरीके की शको शुभा क्यों है पंजेटा जी? बिल्कुल आयुष जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। टाइमिंग को लेके शंका क्यों है, उसका तो सीधा सीधा मैं जवाब इसी बात से दे दूं आपको कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि किसान आंदोलन की वजह से 11,500 करोड़ का नुकसान जो है जो उद्योगों को हुआ है, ठीक है जी, 210 करोड़ का नुकसान उन्होंने कहा कि 3 महीने में टोल का हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको 210 करोड़ टोल की चिंता है 3 महीने का, 1,95,00,000 हर रोज भाजपा सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चती है जो कि वो पब्लिक मनी है, भाजपा का पार्टी फंड नहीं है, तो उनको वो भी चिंता करनी चाहिए। आज प्रदेश पे और देश पे इतना कर्जा बढ़ गया है, हमारे जितने फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके आसपास तो हमारा पूरे देश के ऊपर कर्जा है, तो थोड़ा बहुत अपनी पब्लिक जो स्पेंडिंग है, थोड़े अपने खर्चे हैं उनको भी कम कीजिए, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उससे जनता का पेट नहीं भरता। दूसरा ये जो इन्होंने कहा कि जो मैंने अभी आपको बताया कि टाइमिंग पे शंका, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जो रोड जाम होने की वजह से इतना नुकसान जो है, जो बिजनेसमैन है प्राइवेट सेक्टर में है उनको जो उतना नुकसान हो गया है प्रदेश को, अब मुझे ये नहीं पता कि वो इसकी ये बात इन्होंने अभी सदन में क्यों बोली, थोड़े टाइम और यही कानून अभी आ गया, इसकी टाइमिंग दोनों मैच क्या होती है, क्या ये जो कर्जा जो भी नुकसान हुआ है ये किसानों को नोटिस देके जो भी संयुक्त किसान मोर्चा है या उनको ऊपर थोप दिया जाएगा। पंजेटा जी देखिए, और अगर बता दिया ना प्रवीण जी ने, उसके क्लॉज भी पढ़ के बता दिए कि क्षतिपूर्ति के लिए है, अगर आपने नुकसान किया है तो है, और किसान आंदोलन से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, जब ये क्लियर ही कर दिया कि लेना देना नहीं है तो फिर क्यों लग रहा है कि इसका मिसयूज होगा? देखिए एसोसिएशन ये कहता है कि किसान आंदोलन की वजह से पूरे देश के व्यापार को 3,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये तो व्यापार को नुकसान हुआ है, कानून का उससे क्या लेना देना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही जवाब मैं ले रहा हूँ, एक सेकंड प्रवीण जी, बिल्कुल। अब इसको हम एक काम करते हैं, इस कानून को हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं इस कानून के आने से। सरकार अपना जितना उन्होंने सड़कें खोद के प्रदेश की जो सड़कें उनका नुकसान किया है, एक मिनट आप देना प्लीज, मैं इंतजार कर रहा था पंजेटा जी, मैं जैसे यही इंतजार कर रहा था कि आपने अभी तक इस बात को कहा क्यों नहीं, और कौन देगा, आप ही देंगे सर, आप ही देंगे। तो एक एस्टिमेट बनाए सरकार की जो सड़कें अब नई बनने में हमने इतना नुकसान कर दिया है और हम इतना जो राशि है ये हम अपने तनख्वाहों में से और जो इनको पर्क्स मिलते हैं और जो पेंशन मिलती है, इसका जवाब मैं लूंगा, इसका जवाब मैं प्रवीण जी से जरूर लूंगा। तो आप छोटा सा कमेंट करिएगा भाई, देखिए गलत कर रहे हैं लोग, अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्षतिपूर्ति हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है उसके अंदर, क्यों इतना विरोध आप लोग कर रहे हैं उसका? आयुष जी, और क्लॉज भी पढ़ के बता दिए अब तो प्रवीण जी ने, उनके पास वो पूरा बिल की कॉपी है, मेरे पास नहीं तो मैं और भी कुछ दो चार काउंटर आपसे पूछ लेता, लेकिन राय सिंह जी मुझे बताइए क्षतिपूर्ति तो होनी चाहिए ना, इसमें क्या आपत्ति है? आयुष जी मेरे मित्र, जहां तक मुख्यमंत्री जी ने सदन की गरिमा और परंपरा को तोड़ा है, देखिए उस प्रकार पहले उन्होंने कहा कि जो किसान बिल है, किसान बिल पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निरस्त किया हुआ है, फिर कहते हैं कि किसान बिल वापस नहीं होंगे, अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में गुमराह करते हैं पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो बिल की धाराएं पढ़ी है कि आयोजन नियोजन शामिल, उसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आप शामिल कर सकते हैं, किसके हाथ, सरकार के हाथ, प्रशासन के हाथ, पुलिस के हाथ, अरे यही तो डर है आयुष जी मेरे मित्र, यही बात है कि ये जो मुख्यमंत्री के हाथ में कहां है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, कृषि मंत्री अपना देख रहे हैं उसको लेकर के वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, केंद्र की सरकार तय करेगी, उससे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं यहाँ पर? हरियाणा के अंदर रहिए, मुझे बताइए कि अगर हरियाणा की संपत्ति, चाहे वो मेरी निजी संपत्ति हो चाहे सरकारी प्रॉपर्टी हो, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, इसमें आपत्ति क्यों जता रहे हैं? देखिए पहले भी कानून बने हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, अभी किसान आंदोलन तो चल रहा है अभी, ठीक है राय सिंह जी, लेकिन किसान आंदोलन नहीं भी होता तो क्या जरूरत नहीं है ऐसे कानून की प्रदेश के अंदर, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए कानून, अरे आयुष जी पहले कानून है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तय है, उसके बावजूद भी क्यों, ठीक है ठीक, इस प्रकार से क्यों आखिर में क्यों दमकाना चाहते हैं, नहीं क्यों डालना चाहते हैं?
ये बात भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करी है यार। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से बहुत जल्दी से प्रवीण जी जवाब दे, प्रवीण जी जवाब दे। ऐसा है, देखो ये बता दूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तीन कानूनों पे चर्चा नहीं करूंगा, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करते वक्त ये कहा था कि मैं इन कानूनों पे चर्चा नहीं करूंगा, ये हुड्डा ने कहा था। और हुड्डा ने तो ये भी कहा था कि मुझे इन तीन कानूनों पे अपराध नहीं है, प्रोसीडिंग निकलवा के देखिए, झूठ बोल रहे हैं यहां पे। ऐसी बात नहीं, राय सुनिए, नहीं नहीं, ये तो विधानसभा के अंदर है, ये तो विधानसभा के अंदर, ये तो विधानसभा के अंदर है, रिकॉर्ड में नहीं, चर्चा नहीं करूंगा, ये तो रिकॉर्ड में है, राय इसी आधार पे लेके आए थे, राय सुनिए, तो रिकॉर्ड में है। अब आप यहां पे कितना भी कहते रहिए, आप यहां पे कितना भी कहते रहिए, राय सुनिए, ये रिकॉर्ड में, ये रिकॉर्ड में। चलिए ठीक है प्रवीण जी, जल्दी से जवाब। दूसरी चीज देखिए, ऐसा है, इन कानूनों के बारे में कांग्रेस का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ गया। कांग्रेस लगातार ये दिखा रही है कि कांग्रेस उपद्रवियों के साथ है, कांग्रेस उन शक्तियों के साथ है जो लोगों की संपत्ति को जलाते हैं, सरकारी संपत्ति को जलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पंजेटा जी की बात था, प्रवीण जी जवाब दीजिए, पंजेटा जी की शुरुआत करिए, आप अपनी तरफ से शुरुआत करिए, आपने सड़क खोद दी, उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, अब सरकार को करना चाहिए, आपके विधायक करें, आपको मंत्री करें। ठीक है, राय सिंह जी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं थोड़ा जवाब चाहता हूँ इसका, प्रवीण जी जवाब दें। आयुष संविधान के आर्टिकल 27 में हर सरकार को अधिकार है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कोई भी संभव कदम उसको उठाना है तो उठाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इसी आंदोलन के दौरान सड़कों में किले, जैसे कि बोलते हैं कि ये मित्र किले ठोक दी थी, वहां पे कंक्रीट की दीवार बना दी है, वहां पे बैरिकेड लगा दिए हैं, वहां पे कटीली तार लगा दी है, दिल्ली पुलिस ने यह सब किया क्या? क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास संविधानिक अधिकार है दिल्ली के नागरिकों को कानून व्यवस्था के तहत सुरक्षित रखने का। ये कोई कानून नहीं तोड़ा सरकार ने, ये कानून ने अधिकार दिया हुआ है। लेकिन पंजेटा जी, आज जो कानून बना है, इस कानून के तहत आज के बाद जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो भी व्यक्ति आंदोलन के नाम पे दंगा करेगा, किसी सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी वसूली उसी से की जाएगी, ये आप निश्चित मान के चले। वो जो दंगाई लोग हैं जो किसी की दुकान जला देते हैं, किसी का मकान जला देते हैं, सारी जिंदगी की कमाई एक व्यक्ति की एक झटके में उसमें आग लगा देते हैं, उनसे उसकी वसूली होगी। और मुझे लगता है पंजेटा जी, आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, वो किसी का समर्थन नहीं करते, बस ये टाइमिंग और कुछ सवाल वो खड़े कर रहे थे। ठीक है संदीप जी, एक रिएक्शन दे, क्या वाकई में जो बात कांग्रेस पार्टी या जो उनके प्रवक्ता जो तर्क यहाँ पर रख रहे हैं, क्या इससे उसको डिफेंड किया जा सकता है? नहीं तो कम से कम इसका तो ये करा जा सकता था वेलकम, की हाँ ठीक है, क्योंकि प्रदेश के अंदर सत्ता तो हमेशा कभी ना कभी बदलेगी ना, इन पार्टियों के हाथ में भी, क्यों इसका विरोध हो रहा है, केवल विपक्ष में बैठे हैं इसलिए? देखिए आयुष जी, बिल्कुल मैं भी ये बात मानता हूँ कि हमारे देश की जो राजनीति है और जो हरियाणा की राजनीति है, वो विपक्ष का मतलब विरोध करना रह गया है। इस बिल का इन्हें समर्थन करना चाहिए था, और इसमें विरोध करने के नाम पे ये था कि इसका मिसयूज ना हो जाए, उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि इसके मिसयूज होने के ज्यादा डर है। अगर कहीं पे कोई आंदोलन हो रहा है, उसका नेतृत्व अगर मैं कर रहा हूँ और उस आंदोलन में कोई इस तरीके की घटना हो जाती है जो नुकसान हो जाता है, तो चूंकि उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, उसकी सजा या उसका जो नुकसान की भरपाई है, हो सकता है वो मुझे भी करनी पड़ जाए, हो सकता है मैं भी कोर्ट के चक्कर में फंस जाऊं, तो इन चीजों का एक डर रहेगा। इसमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए थी कि किसी आंदोलन में अगर 1,00,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो भी घटना को अंजाम देगा, केवल और केवल वही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा। और आपको मालूम है, जब पब्लिकली कोई चीज होती है, उसमें बहुत लोगों के नाम आ जाते हैं, तो कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। पंजेटा जी आयुषी, आप ये जो जिक्र हो रहा था यहाँ पे, आप वाटर कैनन इस्तेमाल कीजिए, आप बाव वायर लगाइए, आप बैरिकेड्स लगाइए, आप जो हो सकता है सरकार से, सरकार को जो भी आप कर सकते हो आप कीजिए, मगर आप ऐसे जो हमारी जीटी रोड है, ऐसे हाईवे को आप 20-20 फुट के खड्डे नहीं खोद सकते। आप प्राइवेट लोगों के जो ट्रक हैं, वो ट्रक जो है वो आप ट्रक सड़कों पे लगा के रास्ता नहीं रोक सकते। आप जो दिल्ली में देखा गया वो डीटीसी की बसेस थी, बसेस जो हरे रंग की, वो बसेस कैसे लगा रखी थी रास्ता रोकने के लिए। तो ये तो देखना पड़ेगा कि वो भी निजी संपत्ति है किसी की जो ट्रक्स है, और जो आप सड़कें खोदते हैं 20-20 फीट, वो भी एक वो भी मेरे हिसाब से वो एक जायज
और ये कहाँ तक जायज है मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ये बहुत करोड़ों में नुकसान हो गया इस चीज का, ठीक है जी। जान माल का नुकसान हुआ और किसानों का, वो अलग है जी। अब आप आयुष देखिए, ये टाइमिंग की आपने बात करी, अब जैसे पूरे देश में चाहे बैंक कर्मचारी हो, चाहे और वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, LIC के हो, तो एक सरकार के खिलाफ जो है ये बढ़ता जा रहा है। कोई हर, आज देखिए हर वर्ग कोई भी अछूता नहीं है, हर वर्ग आज के दिन आंदोलन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके जो हक हैं, कहीं ना कहीं जो उसको अपनी जॉब जाती दिखती है या कुछ भी दिखता है, वो किसी तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं लोग। ये तो आप मानते हैं पूरे देश में है, ये जो आपकी मीडिया में सरेआम सारा दिन न्यूज चलती है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये जो यहाँ चर्चा हो रही थी ये डराने वाली बात, कहीं ना कहीं देखिए लोगों के मन में भय तो इस बात से बैठेगा ही। हाँ, भय इस बात का बैठना चाहिए। अत्रे जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, देखिए ये डर तो होना चाहिए कि आप नुकसान ना कीजिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ अत्रे जी। अब मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जैसे हर वर्ग आज के दिन आंदोलन है, चाहे किसान है चाहे कर्मचारी है, अब कहीं ना कहीं आप देखिए वो क्या कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं वो कर रहे हैं, अपनी जान ही दे सकते हैं, जान भी उन्होंने दे दी, मगर क्या सरकार की कान पे जू रेंग रही है? सरकार क्यों सोई बैठी है? प्रश्न चिन्ह तो यहाँ आना चाहिए कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, वो क्या करेंगे और आंदोलन के अंदर अधिकार इसीलिए दिया गया है कि अगर सरकार बिल्कुल ही आपकी नहीं सुनती और आपको लगता है कि वो निरंकुश है और आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है, तो आपके पास वोट का अधिकार है। अरे आप लेकिन अराजकता फैलाएंगे तो फिर मुझे लगता है कानून की आवश्यकता पड़ती है। और फिर वही बात आती पंजेटा जी, कल को आपकी भी सरकार होगी तो आप भी इसका ही समर्थन करेंगे ना। आयुष जी आपने जिम्मेदारी सरकार की है। पंजाब में आज के दिन कोई भी विधायक नहीं रहा, आंध्र प्रदेश के अंदर 75 म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में भाजपा की जीरो वोट आई, 11 कॉर्पोरेशन के वहां जीरो आई, तमिलनाडु के लोकल बॉडी और आंध्र प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी इन हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी, आप आंध्रा का भी हैदराबाद का भी जिक्र करेंगे, अब वो गुजरात भी चले जाएंगे। देखिए पंजेटा जी, अभी इसको आप कंपैरेटिवली देखना शुरू करेंगे तो फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना पंजेटा जी, की देखिये वोट का अधिकार है, सरकार बिल्कुल निरंकुश है तो फिर वोट के अधिकार से इनको चोट पहुंचाएंगी, इसमें क्या दिक्कत है? आप अपना जो आपका जो काम है आप वो कर सकते हैं, आप उसको शांतिपूर्वक करिए, यही अधिकार संविधान ने आपको दिया है। आयुष जी लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, क्या 3 साल में हम लोग मरते रहेंगे? क्या आंदोलन में बैठे रहेंगे? देखिए उसके लिए बातचीत के लिए बार बार सरकार कह रही है, 1.5 साल के लिए होल्ड करने के लिए भी उन्होंने कहा है, बातचीत आगे तो बढ़े ना कम से कम, होल्ड भी तो करने को कही रहे हैं ना, वो कहां कह रहे हैं कि हम लागू कर दे रहे हैं इसको, 1.5 साल तो कम से कम दे ही रहे हैं, 1.5 साल के बाद 1.5 साल ही और बचता है। आपको आज कितने दिन हो गए हैं? सरकार जिन संशोधन के लिए बोल रही थी, सरकार कुछ क्यों नहीं कर देती वो संशोधन? क्यों एक अगली मीटिंग की वेट हो रही है? आपका MSP पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं, आप बना दीजिए, आप इंतजार किसकी कर रहे हैं जब सारी की सारी वार्ता हो चुकी है। पंजेटा जी ये बात भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसे सड़क के ऊपर से कोई निर्णय होते नहीं है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप दबाव जरूर बना सकते हैं लेकिन उसके बाद अंतिम अधिकार सिर्फ वोट का ही बचता है, या तो फिर आप अराजकता पर चले जाएं। आप तो कह रहे हैं ना कि जनता इनको बराबर सबक सिखा रही है, तो वही कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। अभी पंजाब में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में अभी होने ही है चुनाव, फिर अगले साल यूपी में भी चुनाव होना है, बहुत सारे स्टेट में चुनाव है, वो सरकार को समझ में आ जाएगा। इसलिए पंजेटा जी मुझे लग रहा है अगर आपकी मांग जायज है, प्रदर्शन का तरीका सही है, तो वो जवाब जरूर जाएगा वहां तक। राय सिंह जी आयुषी सवाल सरकार ने संशोधन ठीक है, एक सेकंड खुद ब खुद कर, बहुत जल्दी से पंजेटा जी कंप्लीट करिए बहुत जल्दी से। अत्रे जी आप संशोधन करिए, पहल करिए, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ठीक है चलिए, एक रिएक्शन राय सिंह जी कह रहा हूं, पहल कीजिए, ठीक है चलिए ये बात ठीक है। हाँ, पहल कर सकता है, पहल कोई भी कर सकता है, सरकार कर सकती है, ठीक है, ये बात आपकी, ये पॉइंट आपको वैलिड है, ठीक है। राय सिंह जी मानने को प्यार नहीं है, पंजेटा जी उनसे हाँ करवा दीजिए कि वो कह दे कि हम तैयार हैं, ठीक है। राय सिंह जी बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपका। आयुष जी देखिए, सदन में मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, संगठन में गठबंधन झूठ बोलते हैं और प्रवक्ता रिपीट मत करिए। राय सिंह जी देखिए, ये बात आपने पहले भी, जब मैंने पहला सवाल पूछा तब भी आपने कहा, मैं तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ तब भी आप रिपीट मत करिए, कुछ नया बताइए ना भाई, ऐतराज जता रहे हैं अगर तो कुछ उसका वैलिड रीजन दीजिए ना यहाँ पर।
क्लॉज पढ़ के आप बता नहीं पाए, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इफ बट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। देखिए इस बिल में, इस विधेयक में बिल्कुल प्रॉब्लम है, बहुत शिकायतें हैं जनता के अंदर, जो ये किसानों के अंदर शांति प्रिय आंदोलन करने वाले लोगों के अंदर, उनको शामिल करके आयोजनकर्ता के खिलाफ, नियोजनकर्ता के खिलाफ, दूर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कौन कौन संगठन में शामिल है, इससे सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका। राय सिंह जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि आप फैक्ट्स पर बोलें, लेकिन आप गोल गोल घूमकर वहीं आ जाते हैं। बहरहाल ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा, आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि क्षतिपूर्ति विधेयक लाया जरूर गया है, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस ने अभी से अपना रुख स्पष्ट कर दिया, और कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो इसका विरोध करते हैं, और इसी को लेकर के आज वॉकआउट तक कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन अब देखना यह है कि इस क्षतिपूर्ति विधेयक के बाद हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो कैसे बदलते हैं, और कांग्रेस इस मुद्दे को आगे और कैसे उठाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।